तो आज मैं आया था इधर घूमने, तो सामने देखी देखिए मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। तो इन्हें देखा तो मैं गया वापस दुकान की तरफ और इनके लिए कुछ लेकर आया खाने को। सो अभी इन्हें खिला रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मछली हैं इस जगह पर। बड़ी वाली लेकर गई ना, उस वाले को कोई नहीं देख पा रहा है। तो दोस्तों आज सुबह का ये समय है और सुबह के समय मैं आया था धनगढ़ी की तरफ घूमने। हमने कुछ इस तरह का आज शाम को मैं व्यू दिखा पा रहा हूँ। और जैसा कि सुबह का ये मौसम है, चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो पा रही हैं। और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो उस जगह पर अभी फॉरेस्ट वर्कर ने कुछ एक्टिविटी की हुई है, तो वो चीज़ें आपको दिखानी है। तो चलो आप बने रहें वीडियो में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे हैं सामने, ये एक लैंड है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इस जगह पर ना वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए बाहर से आए पर्यटक अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं और साइडों में लगा देते हैं, जिस वजह से ना वाइल्ड एनिमल्स तो वो देख लेते हैं, बस एक चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है कि कहीं से टाइगर या लेपर्ड ना आ जाए और उन लोगों पर हमला ना कर दे। सो उस हमले से उन लोगों को बचाने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने एक छोटी सी पहल ली है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी इस जगह पर जहाँ पर कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से अभी फॉरेस्ट वर्कर ने इस जगह पर सड़कों के किनारे ये खुदाई कर दी है। ये खुदाई करने का रीज़न ये है कि कोई भी गाड़ी वाले इस जगह पर अपनी गाड़ी ना लगाएं और अंदर जंगल की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। सो इस तरह से जगह जगह पर ये खुदाई हुई है क्योंकि गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर खड़ी हो जाती हैं। और आप देख ही पा रहे पूरा जंगल का एरिया है सामने, ये पूरे साल के पेड़ हैं। और इस जगह पर एक बार टाइगर ने हमला भी कर दिया था जिसमें कि एक बंदे की जान चली गई थी। तो सामने ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है सावधान का। तो ये है पनौत का बड़ा नाला, तो जहाँ पे ये बाइक आ रही दोस्तों, इस जगह पर टाइगर ने उस लड़के को उठा लिया था और मार दिया था। सो सावधानी का ये बोर्ड लगा हुआ है और इस चीज़ को लोग थोड़े इग्नोर कर देते हैं। सो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी जगहों पर आप ना ही रुकें तो बेहतर होगा। और बाकी गवर्नमेंट द्वारा इस तरह से ये जो नोटिस लगाया है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही ये चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा इंडिकेट की गई हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। अगर आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को और खुद की फैमिली को जोखिम में डाल देते हैं। सो एक बोर्ड लगा था पीछे की ओर और एक बोर्ड सामने इस जगह पर लगा हुआ है और आगे एक बोर्ड और लगा है जिस पर कि कुछ चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं कि हाँ ये क्षेत्र किस तरह से है, जैसा कि ये सारा का सारा क्षेत्र टाइगर टेरिटरीज में आता है। सो देख लीजिए किस तरह का ये क्षेत्र है। तो फाइनली ये है पनौत का बड़ा नाला जहां पर कि अभी हम लोग चल रहे हैं।
और सामने ये मैं जिस बोट की जिक्र कर रहा था तो सामने ये देखिए वो बोट है ना। तो इस तरह से चीज़ों को दर्शाया गया है कि कोई भी बाहर से आने वाले लोग इन जगहों पर ना रुकें, और किसी तरह से मैं तो ये कहूँगा गाड़ी के बाहर भी वो ना निकले। जो चीज़ें उन्हें दिखती हैं उसे वो हल्की स्पीड में चाहे चलते चलते देख सकते हैं, बट रुकना किसी तरह की समझदारी नहीं होगी, क्योंकि ये जगह बेहद ही खतरनाक है। देखने में अभी ये काफ़ी शांत और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, बट इस जगह पर ना जाने कब कौन सा खतरनाक जानवर आप पर हमला कर दे या कब सामने से निकलकर आ जाए, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जंगल है और वाइल्ड एनिमल्स जंगल में ही रहेगा, सो उसका आना जाना तो इन जगहों पर बना ही रहेगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी तरह की भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको जोखिम उठाना पड़ जाए। तो ये देखिए सामने इस जगह पर भी ये जेसीबी द्वारा खुदवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी ना आप देख पा रहे होंगे कितना सारा ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, और ये कूड़ा इकट्ठा होने का रीज़न यही है कि बाहर से आ रहे पर्यटक इन जगहों पर रुक जाते हैं, जिस वजह से वो कूड़ा तो करते ही करते हैं बट कहीं ना कहीं जोखिम भी वो लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस जगह का किसी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जगह उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सो ये सामने है क्रेशर पॉइंट मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इस जगह पर भी परसों जो लेपर्ड द्वारा कुत्ते को किल किया गया है, तो रात के यही कोई 2 से 2:30 बजे का टाइम था जब इस जगह पर प्लांट में रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि रात को लेपर्ड या टाइगर काफ़ी देर तक आवाज़ कर रहा था, तो जिस वजह से हमें भी मतलब उन लोगों को भी उस जगह पर डर लग गई थी। तो उनका यही कहना था कि रात के समय इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो हैं बाहर से और हमें इन जगहों का इतना अंदाज़ा तो है नहीं, बट हाँ जब सामने से काफ़ी ज़ोरदार टाइगर या लेपर्ड कर रहा था आवाज़, तो हम सभी के सभी डर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर क्या है, बाहर निकलना चाहिए या नहीं। सो उन्हें भी अपनी जान प्यारी थी तो वो लोग भी बाहर नहीं निकले, बट उसी रात लेपर्ड ने गांव से एक कुत्ता उठा लिया था। और जैसे कि आपको अपडेट करूं मैं, उसी के दूसरे दिन फिर से लेपर्ड ने गांव में एक किल किया, वो किया है गाय का। तो गाय का जब उसने किल किया तो उस जगह पर भी कुछ लोगों ने देखा है कि लेपर्ड आया था और गाय को किल कर गया, क्योंकि उसके कुछ विटनेस हैं। सो अभी मैं उस जगह पर जा तो नहीं पाया हूँ, बट जाऊँगा ज़रूर और कोशिश करूँगा कि आपको उस लोकेशन को दिखाऊँ। और वो लोकेशन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वो लोकेशन वही लोकेशन थी जहाँ पर कि एक बार टाइगर ने 8 गायों को एक ही रात में किल कर दिया था। सो चीज़ें बहुत ही भयानक आए दिन होती जा रही हैं, और ना जाने कब कौन सा हादसा हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। तो थोड़ी देर रुक गए थे घर के पास में, जैसा कि आपने देखा था अभी ब्रेक लिया था हमने, और अभी फिर से निकल पड़े आगे की ओर। सो काफ़ी अच्छा नज़ारा आज सुबह सड़क से इस जगह पर देखने को मिल रहा है, और इस नज़ारे के साथ में जो फीलिंग है ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि जिस तरह से अभी ये रोशनी सारी चीज़ों को क्लियर कर रही है, और थिंक भी सेम इसी तरह से क्लियर होती जा रही है। और ये कुछ हिस्सा है गाँव का, तो देखिए ये सुंदरखाल गांव
सड़क की साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। इसे दिखाने का रीजन ये है दोस्तों कि आजकल जिस तरह से टाइगर और लेपर्ड दोनों इस गांव में मूवमेंट कर रहा है, तो इसको मैं इसलिए आपको सड़क की साइड से दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए सड़क की साइड से पूरा गांव ओपन है, किसी तरह की कोई घेरबाड़ इस जगह पर नहीं है। तो इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी आसानी से गांव की तरफ एंटर हो जाता है, जैसे कि स्पॉटेड डियर, सावर डियर और सुअर, कई ऐसे जानवर होते हैं जो कि खेतों में उगी फसलों के लिए पहले आया करते थे। सो अभी फसलें तो नहीं हुई हैं, बट फिर भी इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स के पीछे ये खूंखार जानवर टाइगर और लेपर्ड आ जा रहे हैं। और अभी हाल ही में लेपर्ड ने फिर से एक गाय पर हमला कर दिया है, जैसा कि मैं आपको पहले ही भी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं। तो इस तरह से ये ओपन होने के कारण वाइल्ड एनिमल्स गांव की तरफ आ जाते हैं। और आप देख ही पा रहे हैं सभी खेत अभी खाली दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ खेतों में अभी भी इस जगह पर फसलें बोई गई हैं, पर उन फसलों पर भी वाइल्ड एनिमल्स की निगाहें बनी हुई हैं, जिस वजह से फसलें भी नहीं हो पाती हैं। और कुछ इस तरह की ये घेरबाड़ तारबाड़ की है लोगों ने, जिन लोगों ने ये की है तो वो लोग फसलें बो पा रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं की है वो फसलें दोस्तों नहीं बो पा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि आज मैं आपको सड़क की तरफ से ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। और देख लीजिए गांव का ये सड़क की साइड का हिस्सा कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। इस तरफ गांव है, बट मेरे राइट हैंड की तरफ पूरा जिम कॉर्बेट का जंगल है दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट के जंगल से वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी आसानी से गांव में एंटर हो जाता है। सो अभी फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं करोजिया के नाले के पास। तो दोस्तों करोजिया ये भी सुंदर खाल का ही हिस्सा है, जिस तरह की ये नाला दिखाई दे रहा है। इस नाले से गांव को थोड़ी अलग अलग नामों से जाना जाने लगा है, क्योंकि ऐसे नाले कई जगह पर आते हैं, तो इसलिए नालों की वजह से थोड़ी गांव को डिवाइड कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं कि वो सुंदर खाल से हटकर हो। तो सामने ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जो जंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जंगल वही जंगल है जिसमें कि 2005-06 के समय में टाइगर ने एक किल किया था। और जब वो किल किया था तो उस समय इस जगह पर टाइगर को बाहर से शूटर जो बुलाए थे उनके द्वारा मारा भी गया था। तो ये चीज़ें मेरे गांव में थोड़ी आम सी हो जाती हैं, और आए दिन वाइल्ड एनिमल्स अपना भयानक रूप दिखा देता है, जिस वजह से थोड़ी गांव में दहशत तो बन जाती है। बाकी कुछ भी कहें दोस्तों, गांव इतना खूबसूरत है, एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत है कि आप शहरों की बजाय अगर इस जगह पर कुछ टाइम के लिए भी आएंगे ना, तो मैं ये कहूँगा जो आप 2 दिन की ज़िंदगी भी इस जगह पे जिएंगे, तो समझ लीजिए कि आपने 1 महीना अपना इस जगह पर खूब अच्छे से जी लिया है और अच्छी ताजगी भरी हवाएं ले ली है। सो अभी मुझे जाना था इस तरफ, जैसा कि सामने ये जा रही रामनगर को सड़क, और मुझे जाना है गिरजा मंदिर की तरफ, क्योंकि मैं आया हूँ किसी के साथ में, तो उनके साथ में आया हूँ। बाकी करनी तो मुझे कुछ और भी एक्टिविटी थी, देखते हैं क्या टाइम मिल पाता है या नहीं। सो अभी सामने ये टेंट सा लगा हुआ है, इस शॉप के पास आ रहे थे हम, क्योंकि इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस जगह पर हैं कुछ पहाड़ की उगी हुई सब्जियाँ, और ये सामने इन डब्बों में रखी हैं कई तरह की दालें, और इधर जैसे शक्कलकंदी है, पुरानी अदरक है, पीठा है, और ये है दोस्तों नींबू, और कई अदर चीज़ें जैसे कि पहाड़ी मूली, मौसमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इनमें किसी तरह की कोई खाद नहीं मिलाई गई है। तो इस चीज़ को ख़रीदने आए थे, और सामने कुछ इस तरह से अभी ये गिरजा मंदिर के पास तल्ली देवी चौड़ा का व्यू है। तो ये देखिए इस जगह पर भी पूरी तरह से ओपन है, देख पा रहे हैं ना। और इधर ये गिरजा मंदिर का गेट है, और सामने
ये वो लोग हैं जो लोग कि अभी इस शॉप से पहाड़ी ऑर्गेनिक दाल सब्जियां लेकर जा रहे हैं, और सामने इनके पीछे की तरफ है ये जंगल। तो देखिए ये गांव का हिस्सा जहां पे कि अभी मैं चलकर जा रहा हूं, तो इस जगह से एक रास्ता जाता है अंदर गांव की तरफ, जो कि यहां के गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल और गांव को कनेक्ट करता है। सो अभी विचार तो था अंदर जा कर के गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखने का, किस तरह से अभी उस जगह पर खौफ बना हुआ है, जैसे कि अभी टाइगर और लेपर्ड अपना आतंक मचाए हुए हैं। सो उस स्कूल में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनके साथ आया हूँ उनके पास नहीं है अभी इतना समय, और वो आए थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया शॉप पर पहाड़ी कुछ सब्जियाँ हैं वो ख़रीदने, तो अभी वो ख़रीदारी कर रहे हैं। पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता जाता है यहाँ के प्राइमरी स्कूल की तरफ, बट वही है ना कि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आज आपको यहाँ के प्राइमरी स्कूल को भी दिखाता, और ऐसा कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ इस जगह पर भी सड़क की तरफ से पूरी तरह ओपन है, और सेम रिवर साइड से इस जगह पर भी ओपन है दोस्तों। तो इन जगहों में भी टाइगर और लेपर्ड का आतंक बना हुआ है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर टाइगर ने 2 गायों का किल किया था। सो अभी और तो कोई घटना सुनने को यहाँ से नहीं मिली है, बट हाँ जंगल के चारों तरफ से घिरा हुआ पूरा मेरा ये गांव सुंदरखाल है, तो सुंदरखाल के ही ये सभी हिस्से हैं। जैसा कि बीच बीच में बरसाती नाले पड़ते हैं, तो उनसे थोड़ी गांव के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बना लिया है नालों ने, तो उस वजह से भी इन गांव का थोड़ी अलग अलग से नाम रख दिया गया है। तो यह है तल्ली देवी चौड़ा, इससे ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो मल्ली देवी चौड़ा, करोजिया, सुंदरखाल, पनोद, जहाँ पर कि मैं रहता हूँ, तो इस तरह से चीज़ें बटी हुई हैं, बट टोटली कहा जाए तो ये सुंदरखाल में ही आती है। तो बस कहना तो ये चाहता हूँ कि ये सारी जगह ना वाइल्ड एनिमल्स का एकदम कोर जोन है, और वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट यहाँ पर आए दिन होता रहता है। बट मेरी इच्छा थी कि मैं आज स्कूल को कवर करूं, वो हो नहीं पा रहा है दोस्तों। फिर कभी नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का स्कूल है जो कक्षा 5 या 8 तक है, तो उसकी हालत भी मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था, बट अभी वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। फिर कभी मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा, और आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि पूरा गांव चारों तरफ से ओपन है, और अभी कहीं ना कहीं मैं सीधे आपको कह दूँ, कहीं ना कहीं अभी गांव को ज़रूरत है कि गांव की चारों तरफ से घेरबाड़ हो जाए, जिससे कि जंगली जानवरों का आतंक थोड़ी गांव की तरफ कम बने। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं निकल पड़ा हूँ वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि जिनके साथ में मैं आया था इनके पास समय नहीं था, जिस वजह से मैं आज उस स्कूल को कवर नहीं कर पाया हूँ। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आने वाले नेक्स्ट समय में उस स्कूल को कवर करके आपको दिखाऊं कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, और किस तरह से बच्चों की शिक्षा उस स्कूल में चल पा रही है। और जैसा कि आपको पता ही है पूरे गांव में लाइट तो है नहीं, बट थोड़ी तल्ली देवी चौड़ा की तरफ लाइट कुछ है, तो थोड़ा उसका फ़ायदा वो गांव के लोग ले पा रहे हैं। होने को तो तल्ली देवी चौड़ा भी सुंदरखाल गांव में ही आता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया बरसाती नाले आ जाने के कारण गांव को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा है, बट ऐसा नहीं है कि वो सुंदरखाल से हटकर हो, तो वो सभी सुंदरखाल के ही हिस्से हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने यहाँ मेन सुंदरखाल के पास। तो सामने ये देखिए, ये लगा एक सोलर पैनल सिस्टम, जिससे कि पानी की सप्लाई इस स्कूल के बच्चों के लिए दी जाती है। तो अभी फाइनली आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बट
मन तो बहुत है कि आपको चीज़ें एक्सप्लोर कराऊं, समय ना मिल पाने के कारण, या कह लीजिए जिनके साथ मैं आया हूं उनके पास इतना समय नहीं होने के कारण आज चीज़ें दिखाने में थोड़ी विलंब जरूर हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम जरूर चीज़ों को रिकवर करूंगा दोस्तों। और मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ज़रूर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। और मैं करना चाहूँगा अभी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त दोस्तों, तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।